नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तुषार और टेनिस बैच डॉट कॉम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, टेनिस बैच डॉट कॉम पर मिलते हैं बेहतरीन टेनिस क्रिकेट बैट्स और वो भी डिस्काउंट रेट्स में। तो अगर आपने विजिट नहीं किया है टेनिस बैच डॉट कॉम पर, आप अभी विजिट कीजिए और आपकी मनपसंद बैट आप खरीदिए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, मैं जब भी क्रिकेट बहुत पहले खेलता था, जब भी हम लोग 15-16 साल के, जैसे कि 1992-94 के जब भी वो समय था, तभी बॉल गिर के फिसल के जब भी आता था, मतलब स्ट्रेट आता था और बोल्ड होते थे तो आउट देते थे, और मैचेस में भी ये मैंने देखा था। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि अगर बॉल दो टप्पा अगर आ रही है आपके बैट पे, या फिर बॉल टप्पा गिर के अगर सीधी नीचे से ग्राउंड से वो फिसल के अगर आ रही है, तो वो आउट नहीं होता है। अगर आप हैम्पर है तो आपने तुरंत उसको, उस बॉल को नो बॉल देना चाहिए। अभी ये रूल कहाँ से आया और कब आया? तो 1981 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एक मैच चल रहा था, और लास्ट बॉल पे न्यूजीलैंड को 6 रन चाहिए थे मैच को टाई करने के लिए। तो जो ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन थे ग्रे चैपल, तो उन्होंने ये बॉलर को कहा कि आप अंडर आर्म आप बॉल डालो। तो हम्पायर को भी ये पता दिया था और बैट्समैन को भी पता था कि अंडर आर्म बॉलिंग करने वाला है अभी बॉलर। तो ग्रे चैपल ने अपने भाई को, ट्रेवर चैपल को, ये कहा कि तुम अंडर आर्म करके तुम बॉलिंग करो। तो वो मैच जो था वो काफ़ी मज़ेदार हो चुका था और लास्ट बॉल पे 6 चाहिए थे। तो आपको तो सबको दोस्तों पता है कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो उनके बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, वो आपको अभी बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको वो पता है। तो ये बॉल उन्होंने ये डाला और मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गई। तो इसके बाद ये रूल बनाया गया कि कोई भी बॉल है वो ओवरम में अंडर आर्म नहीं कर सकता है, या फिर वो दो टप्पे, या फिर बॉल गिर के फिसल के अगर आ रही है बैट पे, तो वो नो बॉल उसको देना चाहिए। तो दोस्तों, ये है रूल एक्चुअली दो टप्पा बॉल का, और या फिर अगर स्किड होके बॉल अगर आपके स्टंप को लगती है तो अगर आप हैम्पर है तो आपको तुरंत नो बॉल देना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में, कि आपके साथ ऐसा वाक्य हो चुका है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।